पिछला विधायक थे वो कोई काम नहीं किए अभी तक, अब हमें मतलब हमारे नजर में। और वो तो सरकार बनेगा भूपेश बघेल का, एकदम क्लियर है। और यहाँ कौन विधायक बनेगा? बनेगा कांग्रेस का ही बनेगा यहाँ भी। मैं तो आम आदमी पार्टी को मानता हूँ, वो काम भी अच्छा करता है। प्रदेश सरकार एक बस एक काम बस अच्छा किए कि वो क्या बोलते हैं स्वामी आत्मनंद बस बनाई। बीजेपी बिल्कुल नहीं आए, वो जाति विरोधी है। बीएसपी के लगा थे हिंदू बन जा रहे हैं। ये हमारे विधानसभा में पामगढ़ में विकास जरूरी था, उसको किए हैं। ये साल चुनावी साल है, चुनावी साल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। इस वक्त हम जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां खड़ा हुए पामगढ़ का मुख्य चौक है, अंबेडकर चौक है। और यहां से जो विधायक हैं वो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मायावती जहां से हैं, और वहां के जो हाथी छाप जिसका चिन्ह है, वहां से भी एक विधायक छत्तीसगढ़ के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। और यहां क्या कुछ चुनावी मूड है, यहां की जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? संजय सिन्हा। कहाँ से हैं आप? कोनार से। क्या करते हैं? पार्टी से काम करते हैं, बीएसपी। और क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते, किसान हैं। चुनावी साल है, अब अच्छा ये बताइए कहाँ गए थे अभी? अभी हमारे को मीटिंग था। क्या क्या बात हुआ मीटिंग में? मीटिंग में बात हुआ, अपना जो विधायक है उसको जिताने के लिए बात हुआ। पूरा सेक्टर से गांव में बूथ पोलिंग बूथ लेवल से बात कर रहे पूरा, कैसे जीताना है बोल के। तो ये गमछा पकड़े हैं, खरीदे हैं कि अपना जय भी बाबा साहब की निशानी है, अपना पार्टी का भी निशानी है। ये खरीदे हैं कि दिए हैं पार्टी? ये तो पार्टी वाले देते हैं, इसको खरीदना नहीं पड़ता। तो क्या लगा मीटिंग में, बातचीत से लगा फिर जीतेगी? जीते क्या, कंफर्म है, ये तो अपना हम लोग का गढ़ है। ये तो क्यों जीतेंगे, काम किया है वैसे। क्या क्या काम? सब कुछ किया है तो बताओ। उसका 3 साल तो इसी कोरोना में निकाल गया, 2 साल बचा था उसमें, उसका जो फंड था वो अपना पूरा फंड दिया है। क्या क्या काम हुआ? अभी इस रोड का मांग किया था, होने वाला है पूरा इस साल के बाद हो जाएगा। मेरे गांव में भी रोड वाला है, मेरे मोहल्ले का खुद काम होने वाला है अभी, जस्ट उसका सामान गिर गया है पूरा। जनता इससे खुश है, काम काज से पूरा खुश है। यहाँ आपके यहाँ बीएसपी से विधायक और राज्य में दूसरे पार्टी के विधायक रहते हैं, सरकार रहती है राज्य में, काम काज होता है? इसका जो विधायक फंड का पैसा था उसी को देता है, बाकी कुछ नहीं देता। तो जो अपना विधायक फंड का पैसा है ना उसी से काम करवाता है। तो मुख्यमंत्री यहाँ काम वाम नहीं देते? कहाँ दिया है भाई, मेरे गांव में खुद आया था, अभी 4 महीने खुद आया था, कुछ नहीं दिया गांव को। ये बताइए यहाँ नुकसान कितना होता है, यहाँ अलग विधायक फिर प्रदेश में अलग सरकार? अभी तो हम लोग का बीएसपी का गढ़ है, ये तो हम लोग आन बान शान का सवाल है इसमें। हाँ, इस बार तो बीएसपी का ही सरकार बनेगा। प्रदेश में किसका बनेगा? प्रदेश में ही बनेगा, हमारा सरकार बनेगा बीएसपी का, कंफर्म है, पक्का है यार। कितना सीट जीतेंगे? कम से कम 46 जीतेंगे। मतलब सरकार बने? हाँ, सरकार बनेगी, क्यों, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन है ना, ऐसे तो कन्फर्म है इस बार। आप कहाँ से दादा? कौन सा एक काम रहता हुआ ते क्या करते हूँ? नारे में रहता, मैं बढ़ाई हूँ ऐसे, तो मैं बढ़ाई काम करता हूँ। तो गुटखा दबा ले, थोड़े हाथ पे छिपा ले, अभी बातचीत कर काय गोश यार भाई, मैं का कितना कमाई हो जाती? मोर मर्जी से कमा लेते, 500-700 हज़ार भर कमा लेते हैं। मैं ऑल इंडिया में आदमी में ऐसे। हाँ, मैं सरिया सेटरिंग सकल कर्म जानता हूँ। क्या नाम भैया? संदीप। कहाँ से हो? ये कुठरा पर। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, बैचलर हूँ। बैचलर हो तो कुछ तो काम करते होगे? कुछ नहीं कर रहे। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? कितना पढ़ते हो? ये फाइनल ईयर। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लिए हो? आठ में हूँ। आठ? क्या बनना चाह रहे हो अभी? रेलवे में जॉब। रेलवे की तैयारी चल रहा है। अच्छा, थोड़ा चुनावी बातचीत करें, चुनावी साल है। चुनाव के बारे में तो नहीं जानता हूँ, आपसे करें? कर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीर कुमार टंडन। समीर, समीर जी ये बताइए, चुनावी साल है, क्या कुछ माहौल है पामगढ़ का? पामगढ़ का माहौल तो अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, पिछला विधायक थे वो कोई काम नहीं किए अभी तक, अब हमें मतलब हमारे नज़र में क्या काम होना चाहिए? हमारे जो रोजगार के बारे में मुद्दा उठाना चाहिए था सरकार के पास, वो नहीं उठाए, और जो भी और समस्या महंगाई के बारे में सरकार के पास नहीं उठा पाए, और जो है हमारे चीज़ों के बारे में नहीं उठा पाए। इस तरफ तो रोड ही नहीं बना है। अच्छा। आगे में रोड के अलावा पामगढ़ में सबसे बड़ा समस्या क्या लगता है? रोड के अलावा पामगढ़ में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है अभी डेट में, कोई यहाँ ना किसी को रोजगार, बहुत कम ही व्यक्ति को मिला।
तो वही सबसे बड़े मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं अभी बेचलर हूँ, कुछ नहीं, नहीं किया। मैं सुना हूँ यहाँ पलायन का लोग काफी संख्या में पलायन करके जम्मू कश्मीर जाते हैं। हाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। कैसे समाधान हो गया समस्या? इसका समाधान ये है कि अगर स्थानीय स्तर पे आके बैठ के बातचीत करेंगे कि रोजगार रोजगार के बारे में, तो या फिर और दुकान वकान लोन उन के बारे में जो भी अपना ये है ना यहाँ के बताएंगे तो उससे ठीक हो गया। हाँ, आप कह रहे थे विधायक जी ने काम मालूम नहीं किया, तो इस बार बदल देंगे विधायक? हाँ, इस बार बदलेंगे, इसको बनाएंगे। अब अभी तो कोई ये नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ है पामगढ़ से, फिर भी किस पार्टी से बनाना चाहेंगे? पामगढ़ से कांग्रेस को तो बनाएंगे। अच्छा, प्रदेश में? जी, प्रदेश में किसकी सरकार चाहिए? प्रदेश में बघेल की सरकार तो चाहिए। ठीक ठाक काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लगता है? लेकिन अभी हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं, कुछ इलेक्शन तीर मारने के बाद ना, पास में आने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ठीक, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ चुनावी मूड है उसे समझने का प्रयास करेंगे। अंकल नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? रामलाल शास्त्री। रामलाल अंकल, ये बताइए क्या विधानसभा नज़दीक है, चुनाव अभी 17 नवंबर को मतदान होने हैं, क्या कुछ चुनावी मूड है यहाँ का? चुनाव मूड देखो यार, जैसा समय आएगा वैसा होगा चुनाव मूड। अच्छा, ये बताइए पामगढ़ समस्या क्या है? पामगढ़ का इतना समस्या है कि बप क्या बताएं। पामगढ़ विधान माने इसमें इसका सरकार में उसका नहीं बना है विधायक, हिंदू बन जा रहे हैं बसपा से, तो यहाँ तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दिया है कोई प्रकार का। समस्या एक दो तो बताइए ना। एक तो रोड ही नहीं बना है यहाँ से वहाँ डोंगा करावत का, एकदम ऐसा रोड है कि आप मत पूछो, आप चलने लायक नहीं। और कई समस्याएं, किसान लोगों की समस्या है और कई समस्या है। अभी फिर चुनाव होने, किसकी सरकार चाहते हैं? अरे वो तो सरकार बनेगा भूपेश बघेल का, एकदम क्लियर है। और यहाँ कौन विधायक बनेगा? बनेगा कांग्रेस का ही बनेगा यहाँ भी। कांग्रेस का बनेगा। और क्या लगता है क्या काम होना चाहिए पामगढ़ में? अब काम तो बहुत सारा है यार, करे गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम है भाई। यहाँ ट्रेजरी कितना दिन लंबित मांग है, ट्रेजरी काम नहीं हो पाया है, बड़ा हॉस्पिटल का मांग नहीं हो पाया है, ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। जनता कभी नहीं जाती नेता मंत्री के पास मांग करने? अरे जाती है तो क्या करे, क्या विपक्ष में रहने से क्या मतलब है बताइए। हिंदू बंजारे कितना काम किया? अब हिंदू बंजारे बेचारी अब क्या है, एक अकेली विधायक है, दो जने हैं, और वो क्या काम कर लेगी? उसके तो भाई कोई सुनने वाले नहीं है कोई, है ना भाई? जो भी आवाज़ उठाती है ठीक है बेचारी, उसके बाद उसका भाई करने वाला होना चाहिए ना। जब तक सरकार में मान लो जैसे हमारा ये विपक्ष है, है ना, अरे तो सत्ता पक्ष वाला ही तो भाई। तो बार बार बसपा क्यों जीतती है यहाँ? बसपा बार बार इसलिए जीतती है कि देखो क्षेत्रीय, एक तो क्षेत्रीय हो जाता है, और बसपा इसलिए जीतता है कि वहाँ एक प्रकार का यहाँ बीएसपी का गढ़ है समझो। भेद नहीं पा रही बीजेपी कांग्रेस? नहीं पाता। जब भी भेद लगी आप कह रहे नहीं, कांग्रेस जीतेगा एकदम क्लियर है। क्यों जीतेगा? इसलिए जीतेगा कि अभी की पोजीशन जो है ना, कांग्रेस किसानों को खुश करके रखा है। आप खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं किसान। ठीक, धन्यवाद। और भी कुछ युवा साथी पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। चुनावी साल है, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी युवा वोटर हैं। आपके नज़र में क्या है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आपके विधानसभा क्षेत्र में? मैं तो आम आदमी पार्टी को मानता हूँ, वो काम भी अच्छा करता है। जैसे बसपा कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री पामगढ़ में। हाँ बराबर, वो काम भी अच्छा करती है, दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो। हाँ। जैसे बिजली फ्री, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देती है दिल्ली में और पंजाब में। शिक्षा फ्री, हेल्थ फ्री, 85 लाख तक हेल्थ फ्री देती है, घर हर मोहल्ले में। तो प्रचार कर रहे हैं पार्टी? प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मेरा वो पॉइंट है कि मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूँ। आपकी टिकट की होड़ में थोड़ी है? नहीं नहीं कुछ नहीं है, एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ। मेरा राय है कि आम एक हर आदमी को जागरूक होना चाहिए कि कौन काम अच्छा कर रहे है, कौन काम अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ बसपा के विधायक हैं प्रदेश में, गढ़ है ये, बसपा का गढ़ है। लेंगे आप लोग? वो तो नहीं बोल सकता हूँ कन्फर्म, क्योंकि बसपा का गढ़ है कि 70% से 80% वोट खींचती है बसपा वाले। क्यों बसपा बीजेपी कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है आपको? बीजेपी काम भी अच्छा नहीं करती है। हाँ। ये वाली बात है, काम कहाँ किया है 9 साल में? काम कहाँ किया है? कुछ काम किया है आप भी जानते हो। प्रदेश स्तर का
प्रदेश सरकार एक बस एक काम बस अच्छा किए कि वो क्या बोलते हैं स्वामी आत्मनंद बस बनाई है, वो भी आधा में नाम बदली है सुबह जो हम आया था पहले गवर्नमेंट स्कूल था उसका नाम बस बदली है स्वामी आत्मनंद, वही बस काम एक अच्छा किए हैं। ये बताइए पामगढ़ में किसकी विधायक बने, कौन विधायक बनेगा पामगढ़ के विधायक इस साल? तो गोयला बर्मन कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। प्रदेश में सरकार ये पूछने वाली बात हो ना, भूपेश बघेल 75+। आम आदमी पार्टी चाह रहे हैं फिर? आम आदमी पार्टी चाह, मैं अकेले चाहने थोड़ी ना होता, मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा काम करते हैं इसको वोट मिलना चाहिए। ऐसा जातिवाद भी है, आता है पार्टी वाला भी आता है। पामगढ़ में बसपा की सरकार, बसपा के विधायक बनने के क्या कारण है? एक बता रहा हूँ, ये वो बसपा वाले हैं वो जाभीम को मानते हैं, हाथी को मानते हैं, उन लोग को कितना भी समझा लो कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन लोग बसपा में देंगे। जब भाजपा वाले हो गए भाजपा का वोट नहीं करता है, ये वाली बात है। और ओके नाम का है तो नाम है, नाम का है सियाराम ओगरे। अच्छा ये बता अभी फिर चुनाव होना है, का कुछ माहौल है पामगढ़ के? पामगढ़ के का माहौल अभी भैया सब तो बराबर ही चलते हैं, बराबर चलते हैं। हाँ अभी जो विधायक रही आए तुम्हारे विधायक कैसे इंदु बन जा रहे? हाँ काम बुता कैसे कराते हैं? ओकर काम बहुत घटिया रही से कौन ले बनाने अभी है? कौन ले बनाने? अब देख जनता की जैसा मर्जी, तोरुत कछु मर्जी हो कांग्रेस के उम्मीदवार आना चाहिए ऐसे। हम तो कांग्रेस पार्टी के का आदमी हैं। तो काम धाम नहीं करे हिंदू बन जा रहे हैं? हिंदू बन जा रहे काम हम नहीं करे हैं, कोई क्षेत्र भर के कोई काम नहीं। काबर बसपा जीत जत है हैं? बसपा काबर जीत जत है? अरे सगा समाज के आदमी ये करके वाला जीता देते हैं। अब उसना कोई वहाँ कुछ नहीं है। अभी कहा लगा थे हैं? अभी कांग्रेस के कोई भी जो उम्मीदवार रही वही आई। प्रदेश में है? प्रदेश में, प्रदेश भी में कांग्रेस से सरकार ही रही। तो बीजेपी का बनी है? है? बीजेपी बिल्कुल नहीं आया, वह जात विरोधी है। ये तो अभी जो सरकार इस प्रदेश में ठीक ठाक काम करे है? हाँ का काम ठीक लगी? अरे किसान मन के सब काम करे है, मजदूर मन के काम करे है, है? बेचारा हर चीज ल प्रदान करे है। मोदी आते यहाँ छत्तीसगढ़ तो कहते कि प्रदेश सरकार घोटाला कर रहे थे, क्या लगते घोटाला कर रहे थे? नहीं कोई घोटाला नहीं होते। काबर फिर कहते हो? अब भाई ऐसे ना अपोजिट के आदमी है तो कर भी बात कर बेच कर ही। यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग मैंने पामगढ़ विधानसभा के ओमन कमाए खबर दिल्ली गुजरात जम्मू कश्मीर चले जाते, काबर जाते हैं? काबर जाते हैं अब एक नाम से जाते कि उनके खेती पाती कुछ नहीं आऊ, उम्र बहुत दिन के वहाँ काम करे थे। आसपास रोजगार नहीं मिले है? आसपास में काम धाम नहीं मिले? आसपास में और का काम, खेती डोली होती होती काम है, और कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह तो नहीं है। ठीक है। क्या नाम है दादा? मोर। हा? मोर ना तो भरत ना है। हाँ कहाँ के रहता है? मैं वही तुलसी मोड़ में। क्या करे है? क्या करे गे रहे? मैं यदि इकती गे रहे मीटिंग में। ये बता अभी चुनावी साल है 17 नवंबर के फिर यहाँ मतदान होना है, क्या लगत है? अब क्या लगत है, अब हो ही तो बढ़िया। अब अभी तो उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चले, लेकिन तब तक बीएसपी के लगत है इंदु बंजारे है आगे है कहूँ सही, और बाकी के लिए तो नहीं देखा था ना हमन। कौन जीती लगत है? अब जीते हुआ तो इंदु बंजारे है जीती। काबर है? काबर बढ़िया, ओकर स्वभाव है और बढ़िया हिल मिल के आना जाना सब चीज़ ओकर चलत है, और बाकी अतका दिन और हो गए हमन ला देखत, लेकिन हाथ ला जब वोट मांगे बात है तब कभी ऐसे करके हाथ रहते, तेकर बाद आवर है आवर है ऐसे करते है, और पार्टी के मन ला देखे थे मन ला ओला दर्शन करे वो घलो नहीं मिले, और अभी तो गोड़ तरी कभी तबो गिर ही जाके है पाँव पड़ेल कभी जो भी करबे तय कर ही, अब ऐसे रही हाथ जुड़े रही। तुम्हारे बीएसपी ले विधायक रहीस और प्रदेश में कांग्रेस के सरकार रहीस, क्या लगते काम वाम हो है यहाँ? अब काम का होएगा, जितना काम कह रही तत्का तो हो ही नहीं है, जितना काम कह रही तत्का हो ही नहीं है, कुछ कुछ ल देख जा रहे है। अब ओकर बाद भाई 5 साल ल कोई भी सरकार बने है तो 1-2 साल पहली काम ल चालू करना चाहिए, अब आचार संहिता लगत है तो कोकरो घर के नेव लखना थे तो कोकरो पैसा में पैसा जबरान डाला थे, मोला इंदिरा आवास प्रधानमंत्री राज्य के पैसा नहीं चाहिए का तबोल 25,000 पहली ल डाल देते डाले
मोरम डाले तो ओकरे ले काय करी हम मैं अभी अब वो 25,000 ल दे नहीं तो बाद में काठिया कही अब अभी तब ताले मिला ही नहीं औ किस्त काल प्रदेश में का कर सरकार बनी अब सरकार ल तो मैं नहीं कह सका भाई मैं है का बात अब उतना मैं हां मैं चुपचाप रह नहीं ऐसे करा था मैं तो करेला ऐसे करा था जाने ना अब लेकिन अब देख अब जनता मन के का है ठीक है धन्यवाद अब कहते अतका दिन ला वही लग दे रहा थी अभी कहते अब 3,000 धान ला देवो अतका दिन ला काबर नहीं देते रही छे है तो हुआ तो एक ठोएगा ठीक है ठीक है वकील साहब नमस्कार नमस्कार यहीं से हैं आप नहीं नहीं पामगढ़ क्षेत्र है हमारा तुलसी गाँव अच्छा तुलसी गाँव क्या कुछ विधानसभा में कितना विकास हुआ है ये हमारे विधानसभा में पामगढ़ में विकास जरूरी था उसको किए हैं और हमारे गांव में भी काम हुआ है पानी लोग यहां जब बातचीत कर रहे थे लोगों से हम लोग कह रहे थे पानी की समस्या है दूसरा समस्या पलायन आ रहा था और देख रहे थे रोड भी खराब है काफ़ी ये रोड तो इसको चक्का जाम किए थे ना यहाँ पर तो और ऐसे काम चलो बना दिए हैं है ना बाद में बनाएंगे उसको तो वकालत के साथ नेतागिरी भी कर रहे हैं हाँ नेतागिरी भी है हमारा सोशल पॉलिटिकल सब है किस पार्टी से बीएसपी पार्टी से हैं हम लोग तो क्या क्या माहौल है अभी विधानसभा चुनाव विधानसभा बढ़िया है अब सिलसिला फिर चालू हो रहा है आज से है ना अच्छा है प्रदेश प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है किसकी सरकार बनेगी प्रदेश का माहौल इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं आएगा साहब ये कांग्रेस पार्टी जो है कौन आएगा मिली जुली सरकार बनेगा एक जने का नहीं बनेगा किससे मिलेगी संभावना तो बीएसपी और कांग्रेस से हो सकता है ऐसा हम सोच रहे हैं तो पामगढ़ विधानसभा में क्षेत्र हैं और यहाँ के जो जनता है जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और क्या क्या कुछ इनका चुनावी मूड है उसे समझने का प्रयास कर रहे थे फिर अगले वीडियो में अगले पड़ाव में किसी अगले विधानसभा में आप लोगों से मुलाकात होगी।